मित्रों, घर में बरकत लाने के लिए रोजाना करें ये 10 काम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल प्रबीर दास व्लॉग पर। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। कई बार लाख कोशिशों के बाद भी घर में बरकत नहीं होती है, अधिक मेहनत करने के बाद भी सफलता हासिल नहीं होती है और धन की बढ़ोतरी नहीं होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में कई बार नकारात्मक ऊर्जा अधिक होने के कारण या फिर देवी देवता पितरों का आशीर्वाद ना होने के कारण भी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार तो बनते बनते काम बिगड़ने लगते हैं। ऐसे में आप चाहे तो इन उपायों को अपना सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार इन उपायों को अपनाने से व्यक्ति के घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। इसके साथ ही सुख समृद्धि घन संपदा की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि बरकत पाने के लिए रोजाना कौन से 10 काम जरूर करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, किसी भी मांगलिक या फिर शुभ काम में कपूर का विशेष महत्व है। माना जाता है कि घर में कपूर जलाने से वास्तु दोष के साथ नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिल जाता है, इसलिए सप्ताह में एक बार कपूर जरूर जलाएं। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा अधिक पैदा होती है। प्रकृति का ये नियम है कि आप जितना देते हैं वो उसे दोगुना करके लौटा देती है। यदि आप धन या अन्न को पकड़ कर रखेंगे तो वह छूटता जाएगा। दान में सबसे बड़ा दान है। नंबर 2, शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग भी डाल दें। आप चाहे तो ये दीपक रोजाना प्रवेश द्वार के दोनों ओर या फिर एक तरफ जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवता के साथ पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे घर में बरकत होती है। घर में जब भी रोटी बनाएं तो तवा गर्म होने के बाद उसमें थोड़े से दूध की छींटे जरूर मार दें। माना जाता है कि ऐसा करने से हर तरह के दोषों से निजात मिलती है। इसके साथ ही पहली रोटी गाय को खिलाएं। इस रोटी में एक आटे की लोई के साथ थोड़ा सा गुड़ या फिर चीनी रख सकते हैं। रोजाना पक्षियों को दाना खिलाना भी काफी अच्छा माना जाता है, इससे कुंडली के हर दोषों से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही जीवन में तरक्की, सुख, समृद्धि आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या फिर बाद में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी घर से चली जाती हैं और अलक्ष्मी का वास हो जाता है और दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ती है। नंबर 3, कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां किसी अतिथि की नजर ना पहुंचे। झाड़ू को पलंग के नीचे ना रखें। घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाकर रखें। घर के चारों कोने साफ हो, खासकर ईशान, उत्तर और वायव्य कोण को हमेशा खाली और साफ रखें। बाथरूम को गीला रखना आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर नहीं होता है। प्रयोग करने के बाद उसे कपड़े से सुखाने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 4, भोजन की थाली को हमेशा चटाई, चौक या टेबल पर सम्मान के साथ रखें। खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से ना पकड़े। ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। भोजन करने के बाद थाली में हाथ ना धोए, थाली में कभी जूठन ना छोड़े। भोजन करने के बाद थाली को कभी किचन, स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे ना रखें। भोजन करने से पूर्व देवताओं का आह्वान जरूर करें। भोजन करते वक्त वार्तालाप या क्रोध ना करें। भोजन सदैव पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए। नंबर 5, घर में अगर पूजा घर नहीं हो तो किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से पूछकर ही पूजा घर बनवाएं। यदि वो बनाने की छूट देता है तो किसी वास्तुशास्त्री से संपर्क करके ही पूजा घर बनवाएं। ऐसा इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि किसी की कुंडली के अनुसार घर में पूजा घर रखना नुकसानदायक होता है। किसी देवी देवता की एक से ज्यादा मूर्ति या तस्वीर ना रखें। पूजा घर के अलावा देवी या देवता की मूर्ति चित्र घर के अन्य किसी हिस्से में ना लगाएं। किसी भी देवता की 2 तस्वीरें ऐसे ना लगाएं कि उनका मुंह आमने सामने हो। देवी देवताओं की तस्वीर कभी नैत्य कोण में ना लगाएं, वरना कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसने की पूरी आशंका रहती है। तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठ एक पीले वस्त्र में बांध कर रखें।
साथ में कुछ कौड़िया और चांदी, तांबे आदि के सिक्के भी रखें। कुछ चावल पीले करके तिजोरी में रखें। तिजोरी में इत्र की शीशी, चंदन की बत्ती या अगरबत्ती का पैकेट भी रख सकते हैं, जिससे उसमें सुगंध बनी रहेगी। घर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल या हार के सूख जाने पर भी उन्हें घर में रखना लाभ का होता है। नंबर 6, माँ लक्ष्मी और कुबेर देव की कृपा हासिल करने के लिए अपने तिजोरी या पर्स में 3 सिक्के रखें। घर के मंदिर में लाल रिबन से 3 सिक्के बांधकर भी लटका सकते हैं। ऐसा करने से भाग्य बढ़ता है और हर परेशानियों से छुटकारा मिलता है। वास्तुशास्त्र में मछली की चांदी की प्रतिमा बनाकर घर में रखना बहुत शुभ माना गया है। इससे सुख समृद्धि, धन और अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। घर में मछली की चांदी की प्रतिमा रखने से घर में शांति और खुशहाली आती है। नंबर 7, घर की वस्तुओं को वास्तु के अनुसार रखकर प्रतिदिन घर को साफ और स्वच्छ कर प्रतिदिन हरी पूजा करें। घर के बाहर स्वस्तिक बनाएं और कुमकुम हथदी डालकर उसकी दीपक से आरती उतारें। इसी के साथ ही प्रतिदिन सुबह और शाम को कर्पूर भी जलाएं और घर के वातावरण को सुगंधित बनाएं। जो नित्य देहरी की पूजा करते हैं, देहरी के आसपास घी के दीपक जलाते हैं, उनके घर में लक्ष्मी निवास करती है। नंबर 8, पीपल में देवताओं का वास होता है। पीपल को सिर्फ शनिवार को ही छूना चाहिए। शनिवार को पीपल के वृक्ष में काले तिल, कच्चा दूध, गंगा जल, शहद और गुड़ को स्टील या चांदी के बर्तन में डालकर अर्पित करें। वो सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। बस ये कार्य प्रत्येक शनिवार को करते जाएंगे तो धीरे धीरे दुर्भाग्य दूर होता जाएगा। पीपल के वृक्ष की जड़ में तेल का दीपक जला दे, फिर वापस घर आ जाएं और पीछे मुड़कर ना देखें। इससे आपके धन लाभ के साथ ही हर बिगड़ा काम बन जाएगा। नंबर 9, संधि काल में अनिष्ट शक्तियां प्रबल होने के कारण इस काल में निम्नलिखित बातें निषिद्ध बताई गई हैं। सोना, खाना पीना, गालियां देना, झगड़े करना, अभद्र एवं असत्य बोलना, क्रोध करना, शाप देना, यात्रा के लिए निकलना, शपथ लेना, धन लेना या देना, रोना, वेद मंत्रों का पाठ, शुभ कार्य करना, चौखट पर खड़े होना और उपरोक्त नियम का पालन नहीं करने से यहाँ एक और बरकत चली जाती है। वही व्यक्ति जाता है जहाँ मदिरा सेवन, स्त्री अपमान, तामसिक भोजन और अनैतिक कृत्यों को महत्व दिया जाता है। नंबर 10, घर की स्त्री का सम्मान करें। दक्षिण दिशा में पैर करके न सोए। शर्ट और पेंट की जेब फटी हो तो उसे ठीक करवाएं। बटुए या रुपए को पेंट की पीछे वाली जेब में रखें। किसी भी प्रकार का नशा ना करें। झूठ बोलते रहने से बरकत जाती रहती है। दांतों को अच्छे से साफ और चमकदार बनाए रखें। बार बार थूकने, झीकने या खांसने की आदत को बदलें। घर में हर कहीं गंदगी फैलाने का कार्य ना करें। नाखून और बाल बढ़ाकर ना रखें। प्रतिदिन शरीर के सभी छिद्रों को 3 वक्त जल से धोएं। सुबह, शाम और रात्रि आप चाहे तो दीवार पर मछली के जोड़ों की पेंटिंग भी बनवा सकते हैं। वास्तु के अनुसार घर के ईशान कोण में अष्टदल कमल बनाकर मंगल कलश स्थापित करने से धन वैभव आता है। इसके लिए कलश में जल भरकर उसमें तांबे का सिक्का डाल दें। अब इस पर नारियल के पत्ते डालकर उसके मुख पर नारियल रख दें। यह उपाय बहुत उपयोगी है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।